मेरा धन आएगा, अच्छा दिन आएगा। कहाँ गया अच्छा दिन? मैं पूछना चाह रही हूँ नरेंद्र मोदी जी से, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गया, मेरी जनता पूछ रही है। मणिपुर में जो बेटी बहनों को अत्याचार किया गया, आप जाके देखिए बिल किसानों को, आप देखिए पहलवान बेटियों को, आप देखिए हरियाणा नू में जो मुसलमानों को अत्याचार हुआ, और फिर प्रवक्ता लोग चिल्लाते हैं 400 पार। क्या चीज का, कौन सा 10 साल में कर दिए कि 400 एकदम पार हो जाएंगे? अंग्रेजों के जमाना में खाने वाले चीज पे GST नहीं लगा था, आई मोदी जी जब से आए ना, खाने वाले चीज तो दूर की बात है, कफन पे भी GST लगा दिए। इतने बड़े मूर्त जाहिल हैं वो कि कलम और कापी पे भी GST लगा दिए। मोदी जी के बोलते हैं 56 इंच का सीना, उस सीना में दम नहीं है भैया। अगर दम होता ना तो क्यों नहीं गए मणिपुर में वोट मांगने के लिए? ये तो केजरीवाल जी से इतना ना डर गए हैं कि उनको जेले में बंद कर दिए। अरे शेर का शिकार करना तो खोल के करो ना, औकात बता देगी। क्या लगता है अवध बिहारी चौधरी सीवान को साथ पाएंगे, RJD साथ पाएगी सीवान को? अरे साथ पाएंगे, RJD की आप बात कर रहे हैं? RJD वो चीज है जो कहते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे गरीब के मसीहा है, गरीब के नेता, जिसको कहते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे शेर थे, शेर है, शेर के बेटा वीर है, बिहार के तकदीर है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जो 17 साल वाले नहीं कर पाए वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी करके दिखा दिए। पता है क्या, विकास, नौकरी, बिहार में बौछार, वो बौछार हुआ कि भाजपा वाले लोगों के मुंह पे मिट्टी पोता गई, पलीत की मिट्टी। जो भाजपा इतना घबरा गया है, इतना घबरा गया है कि भाजपा के अंदर वो हिम्मत नहीं है जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का मेरा सीना है, और कुछ ऐसे BJP के अंधभक्त प्रवक्ता कहिए तो, चाहे अंधभक्त कार्यकर्ता कहिए तो, जो चिल्लाते हैं 400 पार करने के लिए क्या किए 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी। मैं पूछना चाह रही हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि अच्छा दिन आया, काला धन आया, महंगाई कम हुआ, बेरोजगारी कम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, बेटी बहन का इज्जत कम हुआ? बिल्कुल नहीं। अब जाके देखिए मणिपुर में जो बेटी बहनों को अत्याचार किया गया, अब जाके देखिए बिल किसानों को, अब देखिए पहलवान बेटियों को, अब देखिए हरियाणा नू में जो मुसलमानों को अत्याचार हुआ, और फिर प्रवक्ता लोग चिल्लाते हैं 400 पार। क्या चीज का, कौन सा 10 साल में कर दिए कि 400 एकदम पार हो जाएंगे? कहने के मतलब कि 400 पार नहीं, 0 पे आउट है नरेंद्र मोदी जी, ये आप जान जाइए। नरेंद्र मोदी जी के तो सीना में इतना दम नहीं है कि जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जो इतना लाठी, जो अन्नदाता है, अन्नदाता, उन्हीं का दाना खाना, उन्हीं का पानी पीना, उन्हीं का हर चीज करना, वही किसान पे ये भाजपा वाले इतने लाठी चार्ज कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, उनके MSP भी नहीं दिया जा रहा। तो नरेंद्र मोदी जी को जनता चाहेगा आने के लिए? नरेंद्र मोदी जी कहते थे हर हर घर घर मोदी, हर हर मोदी, ठीक है भाइयों बहनों, सबकी साथ सबकी विकास। कहाँ गया विकास? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, काला धन आएगा, अच्छा दिन आएगा। कहाँ गया अच्छा दिन? मैं पूछना चाह रही हूँ नरेंद्र मोदी जी से, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गया? मेरी जनता पूछ रही है, मेरे नौजवान साथियों पूछ रहे, नौजवान भाइयों पूछ रहे कि जो नरेंद्र मोदी जी वादा किए हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देने के लिए, वो रोजगार कहाँ गया? नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास, 2022 आएगा ना, ये तो 2024 चल रहा है, 2022 चल आएगा तो हम सब भाइयों को, गरीब भाइयों को पक्का के घर देंगे। कहाँ गया पक्का के घर? कहाँ गया एम्स? कहाँ गया, आपसे मैं पूछ रही हूँ, एम्स कहाँ गया, पक्का के घर कहाँ गया? आज देखिए, आज तक ले कभी अंग्रेजों के जमाना में खाने वाले चीज पे GST नहीं लगा था, आई मोदी जी जब से आए ना, खाने वाले चीज तो दूर की बात है, कफन पे भी GST लगा दिए। इतने बड़े मूर्त जाहिल हैं वो कि कलम और कापी पे भी GST लगा दिए। तो जनता चाहेगा कि मोदी जी आए? जनता चाहेगा? जनता यही चाह रहा है जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे विकास नहीं चाहिए हमारे जनता को? नरेंद्र मोदी जी कितना विकास दे दिए हैं कि अडानी और अंबानी को भर दिए हैं। अडानी का नाम लीजिएगा, जेल में बंद कर देंगे, देखिए राहुल गांधी को। आप सच बोलिएगा, यहाँ पे लोकतंत्र का हत्या होता है। हम लोग का तो लड़ाई सिर्फ संविधान बचाने का है, हम लोग का लड़ाई तो सिर्फ लोकतंत्र बचाने का है, हम लोग का लड़ाई किसी से नहीं है, डायरेक्ट लड़ाई हम लोग के मोदी जी से। इसलिए मेन मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये जो बोलते हैं काला धन हम वापस कर देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, यूपी में आप जाके देखिए कितना खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा है,
यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी यूपी से परेशान हो गया है। ये तो है इनके सरकार। अब मोदी जी के बोलते हैं 56 इंच का सीना, उस सीना में दम नहीं है भैया। अगर दम होता ना तो क्यों नहीं गए मणिपुर में वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए मणिपुर में क्यों नहीं गए? नागालैंड में क्यों नहीं गए? है हिम्मत तो जाके देख ले आप, हिम्मत है तो जाके देख लीजिए ना। जनता यही चाह रहा है कि जहाँ रोजगार मिलेगा, जहाँ बेरोजगारी कम होगा, हम वहीं वोट देंगे। अब वोट सिर्फ वहीं देंगे जहाँ लमटेन रहेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो कहते हैं वो करते हैं। बोले कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम नौकरी पे फोकस करेंगे, सबसे पहले रोजगार पे फोकस करेंगे, सबसे पहले जनता पे फोकस करेंगे। बिल्कुल देखिए 17 महीना में जो विकास कर दिए हैं कि बीजेपी वाला घबरा गया है। और घबराएगा नहीं, उनका तो तय है। बोलते हैं ना हम गरीब हैं, हम फकीर हैं। तो वैसे फकीर तो सबको होना चाहिए कि जो 10 लाख का कोट पैंट पहनते हैं उस कोट पैंट पे मोदी के नाम लिखा रहता है। पता है क्या, सोने के धागा से नरेंद्र मोदी जी लिखा रहता है। वैसे तो शौक आपको भी होना चाहिए, इन लोग को भी शौक होना चाहिए कि 10 लाख का हम भी कोट पैंट पहन के और रोड पे निकलते हैं, हम भी थोड़ा सा घूमते हैं, हम भी 1.5 लाख का मशरूम खाते हैं, 1 लाख का चश्मा लगाते हैं, हम भी 2.5 लाख का शॉल ओढ़ के निकलते। जनता का भी ख्वाहिश है। आप तो जनता ही को ठग के अडानी को भर रहे हैं और पूंजीपतियों को 11,000 करोड़ माफ कर रहे हैं MSP। ये क्या है? जनता के लिए प्रधानमंत्री है या अडानी अंबानी के लिए प्रधानमंत्री है जी? अब जनता के लिए क्या किया आप दिखाइए ना, 10 सालों में आज तक आप जनता के लिए कुछ किए हैं? तो ये जान जाइए जनता मेरा संभल गया है। जनता ये जान गया है कि बेटी सेफ रखना है तो मोदी भगाना तय है। देश बचाओ मोदी भगाओ, ये जान जाइए। चुनाव से पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल का अभी तक गुनाह साबित नहीं हुआ, हेमंत सोरेन जेल में सड़ रहे हैं। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग करते क्या है? लोकतंत्र का हत्या है भैया ये। अब सच बोलिएगा ना तो मोदी जी यही करेंगे। इनके सीना में पावर नहीं है कि केजरीवाल से सामना ये कर लेंगे। ये तो केजरीवाल जी से इतना ना डर गए हैं कि उनको जेले में बंद कर दिए। अरे शेर का शिकार करना तो खोल के करो ना, औकात बता देगी। शेर का शिकार करना खोल के कीजिए, पिंजरा में आप क्या बंद करके शिकार करते हैं? मोदी जी से मैं कहना चाह रही हूँ और मोदी जी से मैं पूछना चाह रही हूँ, कहाँ गया अच्छा दिन? जो सच बोलेगा उसको बंद कीजिएगा है? और जितने भ्रष्टाचारियों बड़े हैं, जितने बलात्कारी हैं सब, ये कहाँ जाएगा? बलात्कार कीजिए भगा दीजिए, मर्डर कीजिए जमानत हो जाएगा। भाजपा में यही है, जो कहते हैं ना क्लीन चीट या तो क्लीन वाशिंग पाउडर कहिए, आप बलात्कार कीजिएगा भाजपा ज्वाइन कीजिएगा बेल हो जाएगा, मर्डर कीजिएगा भाजपा ज्वाइन कीजिएगा बेल हो जाएगा। आज तक ले क्या यूपी में मुसलमानों को ऊपर इतना अत्याचार किया गया, क्यों, किसके बलबुत्ता पे आप बताइए? अभी तक कुछ होता है? अभी देखिए फिलहाल में अतीक अंसारी को मारा गया, ये कौन था? मुख्तार अंसारी देख लीजिए, चाहे आप अपने शहाबुद्दीन साहब को ही देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब क्या चीज है? तो जनता ये जान जाइए, जनता संभल गया है, ये जनता जान गया है, ये जनता जान गया मोदी भगाओ देश बचाओ, देश को सेफ रखना है तो भैया मोदी भगाना तय है। 400 ला रहे मोदी जी का, तो कौन मोदी जी 400 ला रहे, नीतीश कुमार 4000 ला रहे, आप लोग कितना? पलटू चाचा को तो बात ही मत कीजिए, जिस लोटा में पेनी ना हो तो वो लोटा की बात ही क्या करते हैं। 4000 तो ला रहे हैं, किसको स्पीड है? सुनिए ना, सही करे 4000 लाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि मोदी जी 8000 लाएंगे, 8 लाख लाए या 8000 लाएंगे। ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये बोलने के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। और जो कहते हैं ना भाजपा वाले लोग 400 आ जाएगा, क्या चीज पे 400 आएगा? 400 नहीं आएगा, 0 पे आउट है मोदी जी, अब जान जाइए। दो चुनाव के बाद मोदी जी, अब जान मोदी जी एकदम जान गए हैं कि मुझे जनता मार के भगाएगी, ये अब जान जाइए। और जब 2024 में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे ना तो जनता हमारा जनता भाई झोला भी चेक करेगा, जो प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए, गरीबों पे तलवार चलाना, गरीबों पे अत्याचार करना, गरीबों पे जुलम ढाना, किसानों पे अत्याचार करना, तो जब मोदी जी जाएंगे ना तो झोला चेक होगा, याद रख लीजिएगा। मोदी जी लगातार बिहार आ रहा है, किस बात का डर है बिहार से? हैं? मोदी जी बिहार लगातार आ रहे, एक बिहारी सब पे भारी, बोलते ना एक बिहारी सब पे भारी। 40 लोकसभा सीट। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो देख देख के ये बीजेपी वाले लोग का हवा ही खत्म हो गया। तो जब जानिए बाप नहीं झुका तो बेटा झुकेगा, बाप नहीं झुका तो बेटा झुकेगा। आखिर शेर के बेटा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और शेर का शिकार आपको पता है ना, गिदड़ कहाँ कहाँ छुप जाता है जब शेर बाहर आता है, ये भाजपा वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जो इतने बड़ा पगड़ी लेके घूमते हैं सम्राट चौधरी जी, जो आपसे में गाली गलौज करता है लोग,
दो डिप्टी सीएम है, आज तक ले कुछ किए नहीं, ना खुद से कोई जानता है कि डिप्टी सीएम है कौन। आज तक ले हमारे हॉस्पिटल में जाके देखिए ना कितना अत्याचार होता है, चाहे सदर हॉस्पिटल हो गया चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया। ये लोग करते क्या है, ये लोग जब चुनाव का टाइम आता है तो ये लोग कहते हैं भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास, अब विकास नहीं, अब मोदी जी को भगाना तय है। चलिए 15 लाख की जो बात आती है तो मोदी जी बोल देते हैं कि ये जुमला है भाई। बाकी देखिए नसीमा जमाल भी हमारे साथ ही पटना से जो है कि सिवान में आई है, बाकी 4 जून को फैसला आएगा किसके पक्ष में फैसला आता है, आप लोग किसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत धन्यवाद।